हमने पहले भी ये बोला है कि हमारी किसी भी पार्टी से कोई रंजिश नहीं है, किसी पार्टी से कांग्रेस हो बीजेपी हो किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी सिर्फ ये लड़ाई है कि सांसद के अंदर पप्पू ने महादेव जी की फ़ोटो को जो लेके गया है उस फोटो का जो उसने प्रचार करा है उस फोटो को ले जाकर टिप्पणियाँ करी है महादेव जी को, ऐसे ऐसे वो हाथ मार रहा है महादेव जी की तस्वीर के ऊपर, उसको और कोई मुद्दा नहीं मिला, बुखला गया है वो, साइको हो गया, मेंटल हो गया, ऐसा क्यों भाई? हमारे पूरा हिंदू धर्म ये कहता है पार्टी चले, कांग्रेस हो बीजेपी चले, हमें उससे नहीं है, हमसे सिर्फ ये हम ये कहते हैं, पूरा हिंदू धर्म ये कहता है वो महादेव जी के शिवालय में जाए माफ़ी मांगे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो हमसे ना माफ़ी मांगे, किसी प्रधान से ना मांगे, किसी मंत्री से संतरी से नहीं, सिर्फ महादेव से माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते, नहीं माफ़ी मांगता तो उसको कोड पड़ जाएगा, उसे कोड पड़े, हमारी बददुआएं लगे उसको, हिजड़ों की भी बोलो, हिजड़ो बोलो मेरे किनरो, हमारी बददुआएं लगे उसको, जारी रहेगा हमारा, हमारे किन्नरों की बददुआएं लगे उसको, सारे देश में, पूरे देशों में हो, दिल्ली में हो, सब जगह होना चाहिए, बस। मेरे साथ कांवड़ सेवा दल के आए हैं मेंबर, इनसे सवाल कीजिए, मतलब ही नहीं, ना हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, ना हम किसी कांग्रेस किसी पार्टी के नहीं है, हमारा प्रेम है सिर्फ महादेव से, उनके नाम पर ही हम बहुत सारे अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके वो सांसद में लेके उन्होंने गुरु नानक जी की तस्वीर ली और वो कहते हैं देखो कांग्रेस का हाथ दिखा रहे हैं, आप हमेशा धर्म क्यों ला रहे हैं? अगर वो कहते हैं बीजेपी धर्म ला रही, वो आपस में अपनी लड़ाई करो ना, भगवान को क्यों बीच में लेके आना है, हमारी जो भावनाएं हैं उनसे उनके साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? कुछ नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, माफ़ी मांगे महादेव के, किसी भी मंदिर में जाए, हमारा ये नहीं है कि कैमरे के आगे आके माफ़ी मांगे, किसी भी मंदिर में जाए, वो कभी कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही